व्हाई डू एटम कंबाइंस या ऑक्टेट रूल जो होता है वो होता क्या है, तो आज इस बारे में हम बात करेंगे कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। तो ऑक्टेट रूल का रिलेशंस जो होता है वो हमारी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक रिलेशन होता है। हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ रिलेशन कैसे होता है कि सपोज कि जो हमारा कंपैरिजन होता है, जो हम अपना कंपैरिजन करते हैं या आप अपना कंपैरिजन करते हो, वो किससे करते हो? वो या तो आपका पड़ोसी से आपका कंपैरिजन होगा या फिर आपका अपने दोस्त से कंपैरिजन होगा, इन्हीं से हमारा कंपैरिजन होता है। धीरू भाई अंबानी के पास में या मुकेश अंबानी के पास में कितनी दौलत है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो ये लेना देना कि हमारे दोस्त के पास कितना पैसा है या हमारे पड़ोसी के पास कितना पैसा है। हमारे दोस्त के पास हमसे ज्यादा पैसा ना हो, हमारे पड़ोसी के पास हमसे ज्यादा पैसा नहीं हो, इसी में हम दिन रात लगे रहते हैं, हम और आप लगे रहते हैं, नॉट ओनली मी यू ऑल्सो। तो सपोज कि आपके पड़ोसी के यहाँ पे 6 गाड़ियां आ गई, हवेली बना ली उसने, नए नए कपड़े पहनता है, रोज ऐश आराम के सारे साधन जो है उनके यहाँ पे अवेलेबल हो गए, तो आप ये जानने की कोशिश जरूर करोगे, उनसे पूछोगे जरूर कि यार ये आपके इतने ऐसो आराम ये मतलब कहाँ से आए। और सपोज उन्होंने उसका उस ऐसो आराम का कारण भी बता दिया कि उसके पीछे का कारण क्या था, तो उन्होंने कहा कि हम इलाहाबाद गए थे, हाँ सोमवार का दिन था, ठीक है दिन था सोमवार का, गंगा नदी में हमने सुबह 4 बजे स्नान किया, फिर वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, हाँ पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ पे हमने 4 बजे जल चढ़ाया, तो भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो हमने बहुत सारी दौलत जो है वो मांग ली। अब इतना सुनने के बाद आप क्या करोगे? निश्चित बात है इलाहाबाद जाएंगे, सोमवार के दिन का इंतजार करेंगे, सुबह 4 बजे सोमवार के दिन स्नान करेंगे, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएंगे। और सेम टू सेम एक्टिविटी जो होती है, जो अभी आपने किया, वही हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं यही काम वो करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास जो है 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में 112 एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो हैरान परेशान रहते हैं दुखों के मारे, केवल 6 एलिमेंट्स जो होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन एंड रेगान, ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। तो ये 6 एलिमेंट जो होते हैं स्टेबल होते हैं, रिमेनिंग 112 एलिमेंट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या चाहेंगे कि यार हम भी स्टेबल हो जाएं, हम भी ऐसा कुछ करें कि हम इनके जैसे बन जाएं। तो ये क्या है, ये हमारे ये क्या है, ये एलिमेंट्स के लिए सेलिब्रिटी है, एलिमेंट्स के लिए हीरो है, एलिमेंट्स के लिए ये सलमान है, एलिमेंट्स के लिए ये शाहरुख है, एलिमेंट्स के लिए कैटरीना कैफ है, एलिमेंट्स के लिए ये क्या है वरुण धवन है, एलिमेंट्स के लिए क्या है आलिया भट्ट है। तो सारे के सारे 112 एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम इनके जैसा बन जाएं। तो आइए इनके जैसा मतलब इनके जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हीलियम एटॉमिक नंबर इसका होता है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36, इसका नंबर एटॉमिक नंबर होता है 54, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 86 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 1s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अगर हम इसका क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे 4s2, 4p6 आएगा। अगर हम यहाँ जीनन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पूरा तो ये 5s2, 5
6P6 आएगा, यहां कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6S2 6P6 आएगा। तो हमने एक नई चीज देखी, हमने नई चीज क्या देखी, हमने देखा कि हीलियम के आउटर सेल में बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और नियोन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्रिप्टन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ज़िनन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और रेडॉन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी स्टेबिलिटी का हमको कारण मिल गया, वो कारण जिनके जिनके कारण ये बहुत खुश थे अपने जीवन में, और वो कारण क्या था कि इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 112 एलिमेंट्स जो थे उनको वो सीक्रेट मिल गया जो इनकी खुशी का, जो इनके हैप्पीनेस का कारण था। और वो रीजन क्या था कि इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको वो रीजन मिल गया, उनको वो क्लू मिल गया। तो अब क्या करेंगे, 112 एलिमेंट्स क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हमारे आउटर सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हमारे आउटर सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। वो कैसे ना कैसे करके वो ये चाहेंगे कि उनके आउटर सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब सपोज एग्जांपल हम लेते हैं, एक बहुत कॉमन एलिमेंट सोडियम होता है, इसके बिना तो शायद केमिस्ट्री पूरी भी नहीं होती है। एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये जो सोडियम हमारा एलिमेंट है, ये 11 एटॉमिक नंबर होता है तो वो इनसे मैच करता है, तो बोले ये 11 एटॉमिक नंबर कहाँ रहा, 10 और 18 के बीच में फंस रहा है, तो किसके नियरेस्ट है, तो नियॉन के नियरेस्ट है, तो ये नियॉन से अपनी मैचिंग करता है। बोले इसके 1s में 2 है, तो बोले हमारे 1s में 2 है, ये खुश हो जाता है, बोले मैच कर गया। 2s में इसके 2 है, 2s में इसके 2 है, पता चल गया। 2p में इसके 6 है, 2p में इसके 6 है, बहुत खुश हो गया। 3s में इसके 1 है, यहां पे कुछ भी नहीं है, दुखी हो गया। अब सोडियम को ये पता चल गया कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे दुख का, हमारी दरिद्रता का कारण क्या है, तो बस उनको सोडियम को पता चल गया कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ही हमारे दुख का कारण है। तो अब सोडियम क्या कहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन कैसे ना कैसे करके इसको बाहर निकाला जाए, इसको हटाया जाए, इसको भगाया जाए। क्लोरीन दूसरा एलिमेंट, बहुत कॉमन एलिमेंट क्लोरीन, 17 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ये इसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये कहाँ, ये 10 और 18 के बीच में 17 आता है, किसके नियरेस्ट है, तो ये आर्गन के नियरेस्ट है, तो ये अपनी मैचिंग किससे करेगा, आर्गन से करेगा। आर्गन के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कहता मेरे भी बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, खुश होता जा रहा है, बोले मैचिंग करता है, मैचिंग हो रही है। जैसे हम लॉटरी के नंबर मैच करते हैं ना, अगर ये नंबर मैच होते जाए तो हम खुशी जो होती है वो दुगनी होती है, और आखिरी नंबर मैच ना करें तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। तो ये 3s में 2 है, 3s में 2 है, 3p में 5 है, 3p में 6 है, बोले बस ये लास्ट का नंबर मैच नहीं किया, हम बहुत दुख हो गए, दुखी हो गए, रोने लगे। क्लोरीन को पता चल गया कि उसकी दुख का कारण क्या है, उसके दुख का कारण केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्लोरीन क्या सोचेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से भी मिल जाए, वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आतुर है। अब यार सोचो वो मंजर क्या होगा, कैसा होगा कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, सोडियम भागा जा रहा है, ढूंढ रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले हमारा, और क्लोरीन भी भाग रही है कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों की तड़पण जो है वो कितनी जबरदस्त होगी। और इस तड़पण में देखो क्या होगा, सोडियम क्लोरीन ये 281 और ये 287 कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या बना लेगा, ये NaCl कंबाइन हो गया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया कंबाइन होने पे,
ये सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? 2 और 8, इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8। इसके आउटर सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटर में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या सोडियम चाहेगा कि क्लोरीन को छोड़ दे? कभी नहीं चाहेगा। तो ये बॉन्ड जो होता है बड़ा मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये चाह के भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने छोड़ दिया इनको तो बस फिर से दुखी हो जाएंगे, तो जबरदस्त एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है, इस तरीके का बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के डोनर और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको जो भी कुछ करना होता है वो करते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल क्या है कि एलिमेंट्स वॉन्ट टू बिकम स्टेबल, और स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं? अपने आउटर सेल में, अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। या तो वो, अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे, या उनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस में होगी, तो या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो एक्सेस में तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा, अगर कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन को लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन में, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेशन में वो क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो हमारा एटम जो होता है वो हमारा स्टेबल नहीं होता, हमारा एटम कंबाइन करता है, और इसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो जो हैं उसमें देखने को मिलेंगे।